राम राम मित्रों, आरती की खबर में आप सभी को स्वागत है। लियो आप नमा ले रहे जा ये अटरू जो पार्वती नदी पर जो बांध बन रहे, जो दिखाओ लोकेश जी, वो बांध के नीचे जो छोटी पुलिया बनी हुई है, वो पुलिया पर बराबर बरसात के बाद बराबर यो पानी की चादर चल रही है, दिखाओ गाड़ी। और ये चादर पर लगभग यहाँ अटरू से ऊटी जाबाड़ा और ऊटी से हटी अटरू उपखंड पर आबाड़ा जितना भी है अपनी जान जोखिम में डालर और ये नदी ने पार कर जे, तो ऐसी काई मजबूरी है यहाँ लोगों की। पूछा जा भाई साहब, आप कहाँ से जा रहे थे? शाहीपुरा। शाहीपुरा कितना गांव छे? गांव ना दो तीन चार पांच गांव। दो तीन चार पांच गांव छे। काई काई नाम से गांव आगा? सिगरी सिमलोद, लाटखेड़ा और यो किशनगंज भी अटी और जाओ जे नारगढ़ बौरगढ़ किशनगंज किशनपुरा ये सारा गांव। तो मित्रों ये भाई साहब से जानकारी मिली जाए अपनी कि ये जितना भी गांव छे ये सारा अटरू उपखंड कार्यालय पर अपना अपना काम कर लेकर आओ जे। पर यो नदी पर जो चादर चाल रही है दिखाओ लोके से एक बार फिर, यह चादर चाल रही है। अब ये मैं प्रशासन ने भी अलर्ट कर रहा है कि यहाँ और खड़वा कान है, पर लोगों की मजबूरी से यहाँ से खड़वा की मजबूरी से लोगों का कई सारा काम से जो अटरू तहसील में अटरू थाना में अटरू अदालत में अटरू उपखंड कार्यालय में ये यहाँ के तीन घना सारा काम पड़े थे। तो भाई साहब यह अतनो जोखिम यहाँ खड़ जाओगे यहाँ और मुसीबत पड़े भाई साहब, बहुत मुसीबत पड़ेगी। अच्छा, और मतलब तो सरकार ने भी मना कर रहा है कि ज्यादा पानी पुलिया पर 6 इंच ज्यादा पानी रहे तो ये पर आप नखड़ नहीं चाहो, पर यो कहीं आप जान जोखिम में डाल रहे थे, आपका बाल बच्चा भी भाई साहब तो चोर चोर इंतजार कर रहा होगा, ये अपनी रिस्क क्यों ले जाता मतलब ये में खड़वा की भाई साहब निकलना तो पड़ेगा, कोशिश करें कैसे भी कैसे करें, मजबूरी जा आपकी खड़बो। और मिला जा अपन एक और भाई साहब से, भाई साहब आप कहाँ से जा रहे थे? नारगढ़। ये भाई साहब देखो ये पुलिया पर माध्यम से ये रपट का माध्यम से नारगढ़ जाओगा और नारगढ़ भाई साहब आप ही न लाग रहे हो यहाँ और गाड़ी खड़ जाओगी ना खड़ेगी ना गाड़ी, तो आप समझदारी की आप ही दाद दे आप मत खड़ो यहाँ और गाड़ी हो सके कोई भी दुर्घटना हो जाओ कर जाओ नहीं, आपका बाल बच्चा करना इंतजार कर रहे थे, आप भी अटी खड़ेगा जो खड़ा हो आप कैसे क्या जाए अटरू अटी गोली दवाई लेवा गिजी मार गोली दवाई लेवा क्या जे आप कसी भी हालत से मांग यहां और यहां करनो। अच्छा मजबूरी जता के यहां और कर भाई पड़ा अगर रपटा थोड़ा थोड़ी काई भी। अच्छा अटी तो यो सारी नदी फली यहां तई थी और ये पुल भी टूट गई, देखो लोकेश जी कैमरामैन लोकेश दिखाए इसको, यह नदी का बहाव से यह सारी टूट चुकी थे फिर भी लोग बाग न मान रहे यहाँ खड़वासू और लगातार यहाँ और खड़ रहे थी। तो भाई यूँ आपने थोड़ा डर न लगे कि यहाँ और खड़ता हुआ काई डर लगे वो मरा खाए खराब मजदूरी है बाकी सरकार बनाई नहीं रही रोड ही नहीं करी रोड सरकार तो बनाओगी, सरकार धीरे धीरे सभी काम कर रही है पर पानी छे जहाँ तक सरकार भी काई करेगी, थोड़ा पानी सूख जाओ कर जाओ तो व्यवस्था करेगी पूरी सरकार अपनी अपनी जिम्मेदारी निभा रही है, आप सरकार ने दूषण मत दो। आप तो या तो सोचो आपन जोखिम तो आपन ले रहे थे, सरकार तो वहाँ से वहाँ से सरकार ने यहाँ थोड़ी जगह आपन नदी पार कर रहे थे, ये छोटे से बच्चा ने ले रही है, देखो बेटा आपको क्या नाम से दिलखुश ये बच्चा ने ले रहा बनो यहाँ और खड़ेगा साहब, तो मैं दर्शक मुँह खरुज हूँ आप ये ना आड़ोती का माध्यम से आड़ोती की न्यूज का माध्यम से ये खबर ना आप देखो और ये ज्यादा से ज्यादा फैलाओ ताकि ये खड़बाड़ा आगे आओ लोकेश जी। भाई साहब एक मिनट, कैसे गाँव जाओगे आप? लाटखेड़ा भाई साहब यू नदी पर इतनो ये रपट पर इतनो सारो पानी चढ़ रहा है, आप देखो 1 2 3 4 5 मेंबर ही पर से खाड़ पाओगे भाई साहब कहीं पतो ही कौन बार कर गया मेल गया तो मां के तो नहीं तो फिर आप बाल बच्चा की तो सोचो, मैं यही खबर चाह रहे थे आपसे की मैं खड़वा को ये जोखिम ले बाकी कहाँ जरूरत आ रही जा अपनी वा तो काहे सरकार ही जाने मां काहे नहीं सरकार क्यों जानेगी, सरकार ने याद थोड़ी जी जगह पर काहे हो रही है लोग बाग काहे कर रहे थे, सरकार ने हर व्यक्ति की याद थोड़ी जा, सरकार तो यहाँ को जब पानी सूख जाओगे यहाँ जब कॉन्क्रीट डालवा की व्यवस्था हो जाए सबने जानो तो देखो पर कोई ऐसी अनहोनी घटना हो जाओ आप लाग जाओ कर जाओ तो फिर जिम्मेदारी।
जिम्मेदारी कौन सा अपन क्या प्रशासन सुना तो मैं मुआवजो दो मैं यू करो तो प्रशासन थोड़ी जिम्मेदारी की बात भाई आप कहाँ से आप पेट ही जाओगा तो रोजी नहीं खड़े होते यहाँ रोजी नहीं साहब रोजी नहीं खड़े थे आम के दवा भाई साहब इतना बड़ा जोखिम मैं देखता हूँ अभी लोग बाग यहाँ तो रेपट टू खड़ रहे थे देखो आप किसी तरीका तो गाड़ी आ रही सर देखो आप ये बिल्कुल नजारा देखो आप ये तो गाड़ी की प्रकार तो पानी में और खड़ रही थे पांच पांच जना लद रहे थे सर पांच जना ही गाड़ी बचे और देखो वह आधी आधी ताई डूब गई नदी प्रशासन ने जो भी चेतावनी दे रखी थे वह चेतावनी की जो प्रशासन ने चेतावनी दे रखी थे वह चेतावनी की भी ये धज्जियां उड़ा रहे थे और अपनी मनमानी कर खड़ रहे थे यहाँ और तो आप सभी दर्शकों से यहाँ तो निवेदन से आप ऐसी घटना की ओर दोबारा न जाओ ताकि आपके साथ कोई ऐसी दुख भरी क्षणी आप से जुड़ जाओ आप से बन जाओ और देखो आप कितनी वहाँ की मोटरसाइकिल कितनी डूब गई अब वो भाई साहब वाली तो मोटरसाइकिल छोड़ रहे हैं वहाँ और मोटरसाइकिल छोड़ने के बाद अपनी छोटी रहने ले रहे थे तो देखो आप दिखाओ लोकेशन कैमरा मैन लोकेशन दिखाओ ये देखो जहाँ से पगा पगा भी न खड़े हो जाओ मन क्या है वहाँ और गाड़ी ले ले मतलब कोई की भी न सुन रहा मनमानी कर रहे थे अपनी जान जोखिम में डाल रहे थे और बाद में जिम्मेदारी प्रशासन ने दे तो सरकार से हमारा निवेदन है तो यह समस्या जल्दी से जल्दी यहाँ की सोल हो और यह सारी गलतियाँ यहाँ मनख्या की दिख रही थे अपन ने प्रशासन ने अलर्ट कर रखे थे फिर भी ये न सुन रहे ये भाई साहब देखो वहाँ से आया थे ट्रेन से वापस और अब ये बाल बच्चा न ले जाओगा यहाँ की एक बहुत बड़ी मजबूरी से गोलियां दवाया का कारण प्रशासनिक काम का कारण छोटे छोटे की फड़ाया का कारण यहाँ इन नदी को सामना करनी पड़े थे जोखिम यहाँ उठानी पड़े थे देखो अपनी जान जोखिम मजबूरी का कारण गोलियां दवाया वगैरह यहाँ की अभी तो देर जा रहे थे और ये गोलियां दवाया लेट जाओगा यहाँ का पेशेंट बताओ करना कोई पेशेंट नहीं यहाँ जिनके मजबूरी का कारण है यही जोखिम एक बार फिर ये किशनपुरा से अड्डू की साइड में फिर आ रहे थे मतलब ये यहाँ के मजबूरी थे कहीं से यहाँ तो खुद मजबूरी थी तो कहीं गोले दवा ले काम करवाओ तो देखो साहब ये गोले दवा की तो बात छोड़ो आप पब्लिक ने मतलब मजदूर आना अपना पेट पालवा का कारण भी गाँव ती अटी से उठी खड़नी पड़े थे दिन भर रोजी नहीं आते काम पर कई नाम था आपको नवल जी कहाँ से कर रहे थे आप नवल जी ये बंदा रोड पर रहते और अटी किशनपुरा ये की रोजिना की दिहाड़ी पका पे आते ये तो देखो मित्रों कितनी मजबूरी से लोग की कहीं बढ़िया हुआ जोखिम में अति बड़ी हुई नदी में और खडर
ये अपना अपना काम करवा उपखंड हरी जाऊ ठीक है भाई सब धन्यवाद। आप यह खबर आप सब रेडी आप ही मुझे दिखा दूं कहीं में पगा पगा मोटरसाइकिल और ये ट्रैक्टर जैसे मतलब लोग बात ट्रैक्टर में तक बॉर्डर ये नदी ना ये रफ्ता ना पार कर रहे थे तो यो इनको खानी कितना टाइम होगा चलता हूँ पूरी बरसात होगी और ये बरसात का मारे जगह जगह से भी टूट गई पर ये लोग बाग मान देखे अपन आड़ोती खबर की आड़ी सूचे में आड़ोती की खबर में यह न्यूज आओगी खाल सो तो यह मतलब मैं देख रहे थे लोग बाग पगा पगा भी न मान रहे मोटरसाइकिल आ चुकी तो माल तो खाते ना माल अच्छा आपको जो मंडी में माल भेज मुझे आपको यह भाई साहब को खबर जो मारो खेत हूँ बलाड़ी की साइड में और ऊटी से मुँह साइड में माल ले रहा हूँ तो अटवाड़ी और ये लोग बाग अपनी जोखिम ले रहे थे सरकार ने मना भी कर रखी थे मतलब ऐसी कहीं मजबूरी से लोग बाग अपनी जान जोखिम में दिखाओ लोग दिखाओ देखो देखो कितनी मोटरसाइकिल कितनी आज आज पानी आज मोटरसाइकिल थी ये ट्रैक्टर ट्रॉली मोटरसाइकिल पगा मतलब कैसे भी न मान रहे मनक हो जाओ ना काम लाग दे होगी जरूरत कोई नहीं और अब लास्ट ले लो ना अपन ही ठीक अनदेखी का या तो अपनी खुद की मंशा की सोच के अपनी खुद की अनदेखी से जो अपन कर रहे थे आज सीमा अपनी जान की जाते कर दो और फिर भी मजबूरिया का अगर कोई ने पेट पालन करना से कोई ने बच्चा बच्चा को इलाज कराना से कोई ने बच्चा को भविष्य बनाना से स्कूल और किसान आना कोई ने मंडी में माल बेचना से या मजबूरिया सारी मानो आपके नहीं दिखाई और खबर का माध्यम जो और मित्रों आगे भी आपके भाई अच्छी खबर का यदि ले चलता रहेगा तब तक के लेकर राम राम मोहम्मद कपूर कैमरामैन लोकेश के साथ राम राम। करके